आपके मार्फत छोटी बात करके खत्म करूंगा। हेलमेट पहनने के लिए बड़ा प्रॉब्लम है, अब वो इस पर चर्चा हुई पहनेंगे या नहीं पहनेंगे। ये जो सेमिनिट ने ये जो कानून प्रोग्राम किया है कि एक्सीडेंट होने के बाद ये कैशलेस ट्रीटमेंट ड्यूरिंग गोल्डन आवर, पहले एक साथ में एक घंटे में जो कुछ होता है उसके लिए मदद करने की प्रोविजन इसमें है। ओवरलोडिंग रोकने के लिए अधिक पावर दी गई है और नियमों के उल्लंघन के लिए कठोर प्रावधान है। कठोर यानी क्या है, जो 1988 में 100 रुपए का फाइन था वो 3 गुना 4 गुना बढ़ के 300 और 400 रुपए की है। अगर रुपए के बाद हिसाब करें तो 1988 के 100 रुपए की कीमत आज 5000 रुपए है, तो बहुत फाइन किया ऐसा कुछ नहीं है। हमने केवल 100 रुपए के जगह 300-400 इतना तक वहां किया है, तो मुझे लगता है कि आज के जमाने में ये करना आवश्यक है। ये डेंजरस ड्राइविंग, जो अज्ञान बालक है उनको वो गाड़ी चलाते हैं उससे एक्सीडेंट होते हैं, तो उनके माता पिताओं के लिए उसके लिए क्या करना उसकी प्रोविजन इसमें है। ओवर स्पीडिंग की है, मोबाइल पर बात करते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, अब ये नियमों के उल्लंघन पर अधिक प्रावधान है और इसमें लाइसेंस निलंबित हो सकता है। जो हाईवे है ये नियम तोड़ते रहेंगे हमारा कोई नहीं सकता, तो ये जैसे जैसे पॉइंट बढ़ेंगे तो एक बार उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, फिर एक साल के लिए कैंसिल हो जाएगा। अगर ऐसे करते रहेंगे तो ये थोड़ा सा इसमें ये जो खराब सड़कें है इसके इसमें दुर्घटना की स्थिति में अगर सड़क जिम्मेदार है तो उसमें दंड करने का उसमें प्रयोजन दी गई है कि रोड अगर अच्छा नहीं हुआ तो वो भी प्रयोजन की है। मोटर वाहनों से संबंधित पेनाल्टी में हर वर्ष 10% बढ़ोतरी की है और ये मुझे लगता है कि ये कोई ज्यादा नहीं है, आज के जमाने में 1988 के हिसाब से जुड़ी हुई है। ये इन्फोर्समेंट इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट, नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड का गठन, एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर कठोर प्रावधान और खराब सड़क के कारण दुर्घटना होने पर कॉन्ट्रैक्टर पर जुर्माना, ये भी इसकी प्रयोजन की है। जो इंश्योरेंस का आखिरी मुद्दा है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रिफॉर्म, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में ड्राइवर था पर ड्राइवर के साथ एक सहयोगी होता है हेल्पर, उसको आप लोग कंडक्टर कहते हैं, ट्रक पे रहता है तो वो मर जाता उसको कुछ नहीं मिल रहा, तो उस सहयोगी को हमने शामिल किया है और इसके कारण उसके 8000 के ऊपर सर्विस उसको भी फायदा मिलेगा। नो कैप ऑन लॉयबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस, ये पहले हमने 10 लाख की कैप रखी थी, कभी तक ये कैंसिल करो, तो जो हमारा ट्रिब्यूनल है मोटर वाहन ट्रिब्यूनल वो जो देना चाहता है वो दे, ये भी हमने इसमें उठा लिया। इंश्योरेंस की मुआवजे में जो 50,000 था वो मुआवजा इंश्योरेंस ने 5 लाख किया है, तो 50,000 पूरा था। क्लेम प्राप्ति की प्रक्रिया को आसान बनाया, सालों साल देते रहे थे, झगड़ा करते थे, कोर्ट में जाते थे, उस सिस्टम को सुधारा कि क्लेम की प्रक्रिया आसान हो जाए। मुआवजे के भुगतान के लिए समय सीमा निश्चित की है, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के 1 माह के भीतर भुगतान करेगी यदि क्लेमेंट 5 लाख का मुआवजा देने को तैयार है। तो लगभग 80% मामलों में 3 से 4 महीनों में सेटलमेंट, हीट एंड रन मामलों के मुआवजे में 8 गुना बढ़ोतरी, 25,000 से 2 लाख ये हमने किया है और मुआवजे के लिए मुकदमेबाजी में महत्वपूर्ण कमी होगी। सुप्रीम कोर्ट पर मामले चल रहे, 10-10 साल मरे हुए लोगों के परिवारों को पैसा नहीं मिल रहा और इसके बड़ा एक प्रकार से उनके ऊपर अन्याय है, यही प्रोविजन करके ये बिल है। मैं फिर से एक बार सभी सम्मानित सदस्यों को बता देना चाहता हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है और सेंट्रल लिस्ट है और ये हमारा ट्रांसपोर्ट का विषय कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो वर्तमान राज्य सरकार के कोई भी अधिकार लेने का हमारा उद्देश्य नहीं है, कोई उनके ऊपर जबरदस्ती की नहीं जाएगी, केवल इस क्षेत्र में सुधार करने के लिए बिल आया है। मैं सम्माननीय सदस्यों को प्रार्थना करूंगा कि वो इस विधेयक पर विचार करके इसको चर्चा भी करें, सुझाव भी दें और उसके बाद